अंडे मिल गए मेरे को दो। ये देखो मुर्गी ने दो अंडे डाले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ खेत में। हमारा कांदे का एक डिप था, उस पर कागज डालता, कल बारिश का मौसम था इसलिए उसको निकाला, और अभी मैं आया हूँ हमारे आम के पेड़ के नीचे। तो ये देखो, ये आम गिर गए हैं। बहुत तेज तूफान था कल, वो इसलिए आम गिर गए। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो हम आपके लिए, हमारे घर के पास कौन कौन से फलों के पेड़ है उस पर बनाया जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो में हमारे घर के पास कौन कौन से फलों के पेड़ है और कितने प्रकार के फलों के पेड़ लगाए हम। चलो दिखाते हैं आपको, पहले तो इस आंबे के आम दिखाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आम लगे थे, पर इधर ही गन्ना काटने के मजदूर रहते थे, उन्होंने रोज शाम को ले जाके थोड़े ही बचे, अभी खाली अंदर से बचे। देख ही सकते हैं। ये देखो, मैं अभी झाड़ों को पानी दे रहा हूँ और अभी धूप ज़्यादा है इसलिए हर दो दिन के बाद उनको पानी देना पड़ता है। और हम अभी जिस जगह रहते हैं उधर मुरुमी ज़्यादा है, मिट्टी कम है इसलिए जल्दी ही सूख जाते हैं झाड़। हमें देख सकते हैं वो पानी दे रहे, लगभग आधा घंटा लगता है पानी देने में, और एक बार जो के साइड को तो ड्रिप करके डाला है झाड़ को। अभी पानी का प्रेशर कम है, दिखते मैं अभी पानी का प्रेशर बढ़ा के आता हूँ, देखते कितना बढ़ता है पानी का प्रेशर। टाकी में भी पानी चल रहा है ऊपर, वो कम कहते हैं। देखिए आप, अभी बढ़ेगा पानी का प्रेशर, बढ़ गया, अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए ये भी एक नारियल का जड़ है, इसके नीचे तो एकदम पत्थर है हार्ड वाला, इसलिए उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, बहुत कम ग्रोथ हो रही है उसकी बाकी की। तो ये लगभग 2019-20 और 21 में लगाए हुए पेड़ है, इसलिए इतने हुए। उससे पहले भी हमने पेड़ लगाए थे, पर 2018 में और 19 में दुष्काल पड़ गया था इधर, हमको पीने के लिए भी टैंकर का पानी था, उस टाइम जल गए थे सारे पेड़। अभी देखिए ये आम का पेड़ है, इसको हम रोज पानी देते हैं, इधर आते हैं, इधर सब मिक्स झाड़ी है। इसमें एक आम का भी पेड़ है, एक नींबूनी का पेड़ है अपना खाने वाला लीम का, और उसके बाद जो मोगरा है, और ये अपना गौती चाय में डालने के लिए। अभी इधर देखो, इधर तो मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, ये किसके अंडे है, शायद मेरे को लगता है ये मुर्गी के या किसी पक्षी के रहेंगे, पर क्या रहा अभी किधर गए वो अंडे। देखिए अभी वो मैं अंडे निकाल रहा हूँ, वो मेरे को तो ये मुर्गी के लग रहे हैं, कोई मुर्गी इधर आके अंडा डाल के जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसके। अभी मैं ये अंडे आदित्य को दे रहा हूँ, वो कैमरा पकड़ा। अभी आगे चलते हैं तो इधर एक हमने जो पेड़ लगाए थे ना, उसमें से एक ही पेड़ फैल गया था, जो नारियल का है वो जल गया। हमारी चाची है, उसने उसको कोम्बड़ी का खत डाला तो जल गया। अभी उसकी जगह हमने आम का पेड़ लगाया है फिर से, ये देख सकते हैं आपके लिए, ये सबसे पुरानी के लिए, इसको ही हमने पहले लगाया था, उसके बाद हमने इसके निकाल के तीन जगह और लगाए। अभी हमें और आगे जाना है, पर पाइप
और फैलाते, पाइप को और फैलाते फिर तो पाइप और आगे जाएगा। अभी हम जाते हैं आगे वाले पेड़ के पास, उधर भी एक नारियल का पेड़ है आगे, उधर उसको तो ड्रिप है लेकिन वो उसको उतना जितना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कभी कभी हफ्ते में एक बार उसको भी छोड़ देते हैं बड़ा पानी। आपको अभी देख सकते हैं ये सबसे तेज ग्रोथ हुई है उसकी, ये सबसे लास्ट में पेड़ लगाया था लेकिन उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो गई है। अभी आपको दूसरी और के पेड़ दिखा दे, ये तो देखो ये आलू की आलू है, उधर एक चक्कू का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, मौसम्बी का, ये आम है, इधर भी हमने 6-7 आम लगाए थे पर ये किया है इस इधर का, ये भी एक आम का पेड़ है, इधर नारियल का पेड़ है, उधर एक केले का पेड़ है, एक सीताफल का पेड़ है। अभी ये बड़े केले है उसके नीचे एक पेरू का पेड़ है और वो लास्ट में भी एक पेरू का पेड़ है, उसको क्या है वो भी लास्ट में है तो इसको भी पानी बराबर नहीं मिल रहा है, अभी तो ड्रिप से हम पानी दे रहे हैं। देख सकते हैं आप ये हमारा बोरवेल है, ये पपाई का पेड़ है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि हमने अभी अभी पेड़ों को पानी दिया है, उसमें हमें हमारे पास 8 नारियल के पेड़ है, 4 केले के पेड़ है और 3 पेरू के पेड़ है, एक संतरे का पेड़ है, एक चिक्कू का पेड़ है, एक पपाई का पेड़ है, खाने वाले नींबू के 3 पेड़ है और आम के भी 4 पेड़ है। ऐसे लगभग 8 से 9 प्रकार के पेड़ है। हमारे पास खाली जामुन और चिंच का पेड़ नहीं है, वो भी इधर लगाने वाले थे पर घर वाले बोले कि वो घर के आजू बाजू में नहीं चाहिए, इसलिए अभी लगाने का है उधर दूर जामुन और चीज़ का पेड़ है, बाकी सब पेड़ है हमारे पास। लगभग पेरू के में भी 3 पेड़ है, वो भी अलग अलग जाति के पेड़ है, एक लाल पेरू का पेड़ है, एक अपना देसी पेरू का पेड़ है और एक बड़े वाला पेरू नहीं आते क्या, तो आधा किलो का एक ही रहता है, वैसा वाला भी पेरू का पेड़ लगाया है हमने। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो,